ये ब्रेकफास्ट वाली स्टोरी क्या थी? ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खाया आपने? ब्रेकफास्ट जैसे बगैर खाए आपने 170 बनाए, तो खाए तो कितने बनाते आप? एक्चुअली सर उस टाइम पे मैं मेरी जो शोल्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी एक्चुअली, बहुत मेरी इंजरी डे बाय डे बढ़े जा रही थी, थ्रो नहीं हो पा रही थी और बैटिंग में भी मुझे कुछ शॉट्स लगाते हुए दर्द हो रहा था। तो मुझे उस दिन आई थिंक मैंने 2-2.5 घंटे सुबह 5 बजे से उठ के फिजियो के रूम पे थी कि प्लीज़ मेरा शोल्डर ऐसा फिक्स करो कि आज बिल्कुल मुझे ग्राउंड पर दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले के सारे मैच मैंने पेन में ही खेल रही थी। तो जब हम उसने अच्छे से मेरा शोल्डर टेप करा, सब कुछ हुआ, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा उस दिन इतनी अच्छी टेपिंग हुई थी कि बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। हम जैसे नीचे पहुंचे चीज़ है बस निकल रही है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा आज ब्रेकफास्ट का। तो मैंने बोला तुम अब ग्राउंड पे कर लेना, ग्राउंड पे होता है ब्रेकफास्ट, मुझे भूख नहीं है। तो मैं वैसे ही ग्राउंड पे चली गई, हम लोग ग्राउंड पे गए, बारिश हो रही थी, पहले लगा शायद मैच ना आई हो, तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। पर ब्रेकफास्ट की जगह तुषार सर मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि इनके बारिश हुई तो शायद 20 ओवर तक का ही मैच हो पाएगा, इससे ज़्यादा अब मुझे लगता नहीं क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आई सर सर ओके, तो कहते फिर तुम ओपन चले जाना। तो मैंने बोला ओके सर, तो क्योंकि मैंने लाइफ में कभी ओपन नहीं करा, एक बार मैंने T20 में करा था बांग्लादेश के सामने, लेकिन कभी ऐसे बड़ी टीम के सामने नहीं करा जिनके पास क्वालिटी बॉलर्स होते हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है सर मैं कर लूँगी, मैंने उनको मना नहीं करा, आई वाज लाइक ठीक है मैं जाऊँगी अगर 20 ओवर का मैच होता है। कहते अगर 20 ओवर से ज़्यादा होता है तो हम नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर रखेंगे, लेकिन 20 ओवर से 20 ओवर हुआ तो आपने ओपन जाना है। लाइक ठीक है सर देखते हैं। तो जैसे उन्होंने ऐसे बोला, आई सारी टीम मतलब उस टाइम पे हम लोग सब फन कर रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो सर वो लाइक गर्ल्स वर प्लेइंग सॉन्ग्स एंड ऑल की थोड़ा सा वार्म अप टाइप रूम पे करते हैं, अदरवाइज क्योंकि बारिश हो गई एकदम से मैच स्टार्ट हो जाएगा, वार्म अप का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने अपना एक कॉर्नर लिया, आई वॉज थिंकिंग क्योंकि एक तो बहुत बड़ा मैच था, उसके बाद मुझे ओपन करना था, तो मेरा ये मुझे भूख तो क्या मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बस अपना साइड पर बैठी थी और सोच रही थी कि यार एक तो जैसे मैंने बोला उस मैच में मुझे अपना सारा बचपन रिकॉल हो जा रहा था, कैसे मैंने खेलना स्टार्ट करा, कहाँ कहाँ पर जाके मैंने प्रैक्टिस करी, किस तरीके की प्रैक्टिस करी, तो मेरे बैकअप पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैंने बहुत हार्डवर्क करा हुआ है, आज रिजल्ट हमारे फेवर में होगा, अच्छा होगा। खाने का तो मुझे याद ही नहीं कि खाना, तो मुझे बाद में जब मैच में क्रैम्स आने स्टार्ट हुए देन आई रियलाइज कि आई डिडंट ड्रिंक वाटर, आई डिडंट ईट एनीथिंग, और मैं ऐसे ही खेल रही हूँ, उसके बाद जाके समझ में आया कि यार मैंने कुछ खाया ही नहीं, इसकी वजह से मुझे ये सब कुछ हो रहा है।